ज़ॉम्बी काले शेर ने मचाई जंगल की तबाही और बाघ ने लिया पिता का बदला। एक बहुत ही खुशहाल जंगल था। उस जंगल का राजा था बाघ। बाघ अपने बेटे वीरू के साथ रहता था। बाघ इन वीरू को जन्म देते ही मर जाती। जंगल की देखभाल और वीरू की देखभाल करते करते बाघ थक जाता है। उसे एक साथ दोनों का ध्यान रखने में कठिनाई आती है। ऐसे में एक दिन हिरन बाघ के पास आती है और कहती है, महाराज मैं आपकी परेशानी समझकर यहाँ आई हूँ। महाराज मैं वीरों की जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हिरन, ये कहकर तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब मैं अपने जंगल की तरफ अच्छे से ध्यान दे पाऊंगा। उस दिन से हिरन एक माँ के जैसे वीरों के साथ रहकर उसका ध्यान रखने लगती है। बाघ का एकमात्र मंत्री था काला शेर, जिसका नाम था गब्बर। बाघ गब्बर पर आंख बंद करके विश्वास करता था। बाघ गब्बर को जानवरों की रखवाली के लिए रखता, पर गब्बर अपनी भूख मिटाने के लिए उन्हीं जानवरों का बेरहमी से शिकार किया करता। गब्बर की शिकार करने की ये आदत अब दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। गब्बर सोचता है, अब यू छुप कर शिकार करना बंद करना होगा। वैसे भी सारा जंगल मैं ही तो संभालता हूँ, इसलिए अब बाघ की जगह मुझे जंगल का राजा बनना होगा। गब्बर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए बाघ का खून करना चाहता है। पर एक दिन गब्बर को शिकार करते हुए उल्लू देख लेता। उल्लू बाघ के पास जाकर कहता है, महाराज आज तक हमारे जंगल में जो बेरहमी से शिकार हो रहे थे वो सब कोई और नहीं गब्बर कर रहा था। आज मैंने खुद अपनी आंखों से उसे सुअर का बेरहमी से शिकार करते हुए देखा। और इतना ही नहीं महाराज, वो तो आपकी जान भी लेना चाहता है आपकी जगह हासिल करने के लिए। ये सुनकर बाघ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन बाघ खुद अपनी आंखों से गब्बर की हैवानियत देखना चाहता था, इसलिए वो उल्लू के बताए हुए ठिकाने पर जाता है। बाघ खुद अपनी आंखों से गब्बर को शिकार करते देख लेता है। बाघ को गब्बर पर बहुत गुस्सा आता है। बाघ सारे जानवरों की सभा बुलाता है और उसमें गब्बर को भी बुलाया जाता है। गब्बर, मैंने तुझ पर विश्वास किया, अपना खास बनाकर रखा, पर तुमने मेरे विश्वास का खून कर दिया। अब तू मेरे जंगल में रहने के काबिल नहीं है, चला जा मेरे जंगल से। जब सारे जानवरों को ये बात पता चली तो वो भी बाघ के साथ गब्बर को नफरत की नजरों से देखने लगे। और इतना ही नहीं, उन जानवरों ने गुस्से में पत्थर मार मार कर गब्बर को जंगल से बाहर निकाल दिया। गब्बर को ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मन ही मन सोचने लगा, मैं तो बाघ को मार कर जंगल का राजा बनना चाहता था, पर अब इन सारे जानवरों को भी कहीं नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं सबको मार दूंगा। गब्बर ऐसा कहते हुए दूसरे जंगल जाता है कि तभी उसे ज़ॉम्बी भेड़िया काट लेता है। ज़ॉम्बी भेड़िया के काटने की वजह से गब्बर भी ज़ॉम्बी बन जाता है और वो सोचता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं ज़ॉम्बी बन गया। हम मैं पूरे जंगल को ज़ॉम्बी जंगल बना दूंगा और उस बाघ की आंखों के सामने उसके जंगल को उजाड़ दूंगा। इस तरह से बाघ रोज मर मर के जिएगा। ऐसे सोचकर गब्बर वापस उस जंगल में जाता है और ज़ॉम्बी बनकर सबको काटने लगता है। देखते ही देखते वो जंगल के जानवर ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे का खून पीने लगते। जब ये बात बाघ को पता चलती है तो वो हिरन से कहता है, हिरन वीरू को लेकर यहाँ से चली जाओ, मैं देखता हूँ कि मैं उस गब्बर को कैसे रोक सकता हूँ। मगर आप यहाँ क्या करेंगे, आप भी चलिए महाराज। नहीं, मैं जंगल का राजा हूँ, अपनी प्रजा को ऐसी मुसीबत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तब बाघ हिरन और वीरू को वहाँ से भगा देता है। बाघ जानवरों को ज़ॉम्बी बनते देखकर दुखी होता है। तभी वहाँ गब्बर आता है। दुखी होकर गब्बर से कहता है, गब्बर ये क्या किया तूने, बदला लेना ही था तो मुझसे लेता, मेरे जानवरों को तो छोड़ देता। अब एक काम कर गब्बर, मुझे भी मार दे क्योंकि मैं ये सब देख नहीं पाऊंगा। अरे मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, तुम्हारा रोज दुखी चेहरा देखना ही मेरे कलेजे को सुकून देगा। गब्बर बाघ को कैद करके रखता है और गब्बर जुल्म करते रहता है, पर उसे मारता नहीं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। हिरन वीरू को लेकर दूसरे जंगल में खुशी से रहती है। वीरू भी हिरन को अपनी माँ समझकर खुश था। अब वो बड़ा हो चुका था, उसे कभी कभी कुछ अजीब सवाल आते थे। एक दिन वीरू हिरन से कहता है,
माँ, मुझे आपकी ममता पर शक नहीं करना, पर माँ मेरे असली माँ बाप कहाँ हैं? मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। वीर उस दिन हिरन से जिद करने लगता है, तब हिरन गब्बर की सारी बात बता देती है और कहती है, बेटा तुम्हारे पिता अभी भी गब्बर की कैद में हैं, पर बेटा जोम्बी के जंगल में जाना मतलब खुद की जान दांव पर लगाना। पर माँ मैं वहां जाऊंगा और अपनी जान की बाजी लगाकर मेरे जंगल को जोम्बी से मुक्त करवाऊंगा और मेरे पिता को भी। आप मेरी चिंता मत कीजिए माँ, मैंने सुना है कि जोम्बी आग से डरते हैं, बस मैं उसी का फायदा लेकर अपने पिता को बचा लूंगा। ऐसा कहकर वीरू जोम्बी जंगल जाता है। जंगल में चारों तरफ बस जोम्बी जानवर थे। तब वीरू एक प्लान बनाता है, वीरू को भी जोम्बी जानवर देख लेते हैं, वो सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। तब वीरू उन सारे जोम्बी जानवरों को एक जगह इकट्ठा करकर उन्हें आग में जलाकर मार देता है। इसके बाद वीरू गब्बर के पास जाता है और कहता है, गब्बर मैं आ गया हूँ, मैं तेरा अंत हूँ, आज मैं अपने पिता को तेरी कैद से मुक्त कराकर ही रहूंगा। बाघ अपने बेटे वीरू को देखकर खुश हो जाता है। गब्बर वीरू को काटने जाता है, तभी वीरू उसे जला देता है। इस तरह से गब्बर का अंत होता है, पूरा जंगल जोम्बी उसे मुक्त हो जाता है। वीरू अपने पिता को आजाद करता है। वीरू बाघ और हिरन के साथ उसी जंगल में रहने लगता है और सभी जानवरों की मदद किया करता। लोमड़ी के पकवान। एक हरा भरा जंगल था, जंगल में बहुत सारे जानवर थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी थी। एक दिन लोमड़ी जंगल में सारे जानवरों के लिए एक होटल खोलती है। तब लोमड़ी अपने मन में सोचती है, इन सारे जानवरों के साथ साथ इस जंगल के राजा शेर को भी इस होटल में मुझे बुलाना होगा। लोमड़ी जंगल के सारे जानवरों को बुलाती है और साथ ही साथ जंगल के राजा शेर के पास जाती है। महाराज, मैं इस जंगल में एक होटल खोल रही हूँ और आपका आना जरूरी है। क्या, तुमने इस जंगल में होटल खोला है? ठीक है, जाओ, मैं समय मिला तो आ ही जाऊंगा। अगले दिन लोमड़ी तरह तरह के भोजन बनाती है। उस जंगल के सारे जानवर लोमड़ी के बनाए हुए भोजन मजे लेकर खाते हैं। तभी भालू लोमड़ी से कहता है, दोस्त, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन बहुत स्वादिष्ट है, मैंने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया। अब से मैं रोज तुम्हारे होटल पर ही आऊंगा और भोजन करके जाऊंगा। ये कहकर भालू लोमड़ी को थोड़े उपहार देता है। खरगोश भी लोमड़ी के हाथ से बना भोजन खाकर लोमड़ी से कहता है, दोस्त, सच में तुम्हारा भोजन बहुत स्वादिष्ट है, वैसे तुमने ये भोजन बनाना कहाँ से सीखा? ये कहकर खरगोश भी लोमड़ी को कुछ इनाम देकर जाता है, पर लोमड़ी शेर का इंतजार कर रही थी। तभी खरगोश लोमड़ी से कहता है, क्या हुआ दोस्त, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ दोस्त, मैंने शेर को बुलाया था, राजा शेर अगर आ जाते तो मज़ा ही आ जाता, मैं बस उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं घर वापस जा रहा हूँ, जाते वक्त शेर से कह दूंगा कि तुम उसका इंतज़ार कर रही हो। ये कहकर खरगोश वहाँ से निकलता है। रास्ते में खरगोश को शेर मिलता है। महाराज, लोमड़ी आपका इंतज़ार कर रही है, उसने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है, आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए। ये सुनकर शेर खरगोश से कहता है, ठीक है ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। शेर उसके पास जो मांस का टुकड़ा था उसे पेट भर कर खा लेता है और थोड़ी देर आराम करता है, फिर वो लोमड़ी के पास जाता है। शेर को अपने होटल पर आया देख लोमड़ी खुश हो जाती है और आदर सम्मान करती है। वो शेर के लिए तरह तरह के भोजन का इंतजाम करती है, पर शेर का पेट तो भरा हुआ था तो वो ज़्यादा कुछ नहीं खाता। तभी वहाँ हाथी जो भोजन रखा हुआ था लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी बहन, तुम्हारा भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया। हाथी की बात सुनकर शेर कहता है, मुझे तो यह भोजन बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम लोग इतनी तारीफ कर रहे हो? ये कहकर शेर वहां से चला जाता है। लोमड़ी बेचारी बहुत उदास हो जाती है। तब हाथी लोमड़ी से कहता है, दोस्त, तुम उदास मत हो, देखना महाराज एक दिन तुम्हारे होटल पर जरूर आएंगे। हाथी ये कहकर वहां से चला जाता है।
एक दिन शेर बहुत भूखा था। वो लोमड़ी के होटल पर आता है। लोमड़ी शेर को देखकर खुश हो जाती है, तभी ज्यादा भोजन बनाकर शेर को डालती है। शेर बहुत भूखा था और वो लोमड़ी का भोजन खा लेता है। तुम्हारा भोजन बहुत स्वादिष्ट है। तभी पास में खड़ा हाथी शेर को याद दिलाता है, महाराज लोमड़ी के भोजन में तो कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन आप पहली बार आज उसके भोजन की तारीफ कर रहे हैं। आपका पेट इससे पहले भरा हुआ था, लेकिन आज आप भूखे थे, इसलिए आपको भोजन बहुत पसंद आया। हाथी की ये बात सुनकर शेर लोमड़ी से कहता है, मैंने पहली बार तुम्हारा भोजन खाकर तुम्हारा बहुत अपमान किया था, इस गलती के लिए मुझे माफ कर दो। मेरी तरफ से कुछ इनाम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शेर लोमड़ी को इनाम देकर वहां से खुशी